यो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी अंडरस्कोर रनाशब 04। आज हम लोग जा रहे हैं चेन्नई। आज हम लोग जा रहे हैं कोयम्बतूर और हम शिवजी के दर्शन करने ईशा फाउंडेशन आदि योगी। मी अंडरस्कोर रनाशब 04। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। All right, so we are going to Mangalore से हमने ट्रेन पकड़ी है। 11:30 की ट्रेन है, 11:45 की ट्रेन है और हम सुबह पहुँचेंगे कोयम्बतूर और वहाँ से आदि योगी ईशा फाउंडेशन। और ये मितान चाह रहा है अपने बेड पे सोने के लिए, क्योंकि जर्नी सो के निकालेंगे। सुबह भी बीच कोयम्बतूर एंड देन ईशा फाउंडेशन आदि योगी। वीडियो पूरा देखिएगा आप। मी अंडरस्कोर अविनाश 04। और हम पहुंच गए कोयम्बतूर स्टेशन। 7:30 मॉर्निंग टाइम और स्टेशन क्राउडेड है, जैसे नॉर्मली मेट्रो से सिटीज का होता है। गणपति बप्पा मोरया। हम लोग पहुंच चुके हैं कोयम्बतूर राइट, और आदि योगी के पास जाना तो है। हम जाएंगे शाम को, वहाँ पे लेजर शो है, वो अटेंड करना है, तो हम शाम को जाएंगे। और अगर आप आए हो कोयम्बतूर पे तो ये खुले कलम करके जगह है, यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े गणपति विराजमान है। अराउंड 19 फीट और 190 टन सिंगल स्टोन से बना हुआ विघ्नहर्ता गणेश जी का मूर्ति, अगर आप आए हो तो जरूर विजिट करिएगा। ओम गणपते नमः। मी अंडरस्कोर अविनाश 04। जर्नी जारी है और ये गणपति जी का दर्शन लोग लेने आए हैं। कोई मतलब आए हो तो ये मिस मत करिए आप। 19 फीट और 190। आप गणेश जी के मंदिर पहुंचने के लिए आपको कोयम्बतूर स्टेशन से आपको रिक्शा मिल जाएगा, आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज वहाँ तक पहुँचने के लिए और 100 रुपीज स्टेशन पहुँचने के लिए, तो 200 रुपया। बट इफ यू लुकिंग फॉर बस, इट्स ऑल्सो एन ऑप्शन, बस नंबर 5, बस नंबर 7 फ्रॉम कोयम्बतूर बस स्टैंड। पेरूर में आए हैं, कोयम्बतूर में। यहाँ पे शिव जी और पार्वती जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे वास करते हैं पतेश्वर महाराज के फॉर्म में राइट। दिस टेम्पल इज अराउंड 2000 ईयर्स ओल्ड, बिल्ड बाय चोला डायनेस्टी देन राइट। तो उनका प्रोमिनेंस इतना है साउथ में, बहुत सारे जगह पे साउथ पे यू विल हैव टेम्पल्स बिल्ड बाय चोला, और धीरे धीरे करके जो आगे की डायनेस्टीज है वो ये मंदिर को रिनोवेट करते गए। तो अगर आप आए हो कोयम्बतूर में, इफ यू हैव टाइम, पतेश्वर महाराज, शिव जी, पार्वती जी, कोयम्बतूर में आप ज़रूर दर्शन कीजिए। आगे की जर्नी तो आपको पता है, आदि योगी ईशा फाउंडेशन मेरे साथ। Alright, so you know, on the way, Thirur Shivji Mandir ke saamne, hum ye buttermilk pee rahe, which is really very very tasty, health ke liye bahut acha hai, lekin buttermilk to acha hai hi hai, lekin uske saath jo side mein jo free sides milte hai, that's really awesome. Hatto. See, you get these sides. It is so lovely, yum, delicious. मैं तो लगा दूंगा।
अच्छा रेफरेंस की दिस इज आंवला लक लेते मिलता है चिलीज दिस इज ग्रीन चिलीज Right from Coimbatore bus stand, yeah, town hall, you get government buses. या तो 14D bus है जो आपको ईशा फाउंडेशन तक लेके जाएगी. 14D bus cost around 40 rupees and alright. So अगर आपके पास ज़्यादा time नहीं है, right? So you can actually book taxis. From Go Taxi app or Red Taxi from whatever location it will drop. और ईशा फाउंडेशन वंस यू रीच एम्पल स्पेस है. इफ यू आर गेटिंग योर कार पार्किंग के लिए बहुत जगह है. जो टूरिस्ट व्हीकल्स या बसेस आते हैं उसके लिए भी बहुत सारा जगह है और बाइक पार्किंग तो है ही है. ऑल आर पेड पार्किंग बट वेरी नॉमिनली चार्ज्ड. और आप जब आओगे ईशा फाउंडेशन के अंदर तो जो जो प्लेसेस है जो आपको विजिट करना है ये तो सबको पता है. आदि योगी वेरी पॉपुलर. फिर ध्यान लिंग जो शिव जी का लिंग है. मेडिटेशन हॉल है अंदर, वहां पे मेडिटेशन होता है. नंदी जी की मूर्ति है. लिंग भैरवी योगेश्वर लिंग की मूर्ति और सूर्य कुंड है और चंद्र कुंड है. हर हर महादेव. हर हर महादेव. ये वेलिंगेरी हिल्स तो ईशा फाउंडेशन ने सारा ही वेलिंगेरी हिल्स के ग्राउंड में बेस्ड है और ये हमारे इसके लिए हम उनका दर्शन लेने आए हैं. और ये हमारे आदि योगी शिव जी जिसके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं. हर हर महादेव. आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर दीजिए और बोलिए हर 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 महादेव. और मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हो वो आदि योगी शंकर जी का मूर्ति है. अराउंड 120 फीट का जिनको सदगुरु ने खुद डिजाइन किया है. राइट एंड ब्लैक स्टोन से बना हुआ मूर्ति है. ऐसे ही सेम मूर्ति अब बैंगलोर में इनॉग्रेशन होने वाला है ईशा फाउंडेशन का. वी हैव सेम आदि योगी इन बैंगलोर ऑल्सो. राइट और शिव जी का मूर्ति जो है आदि योगी का इज रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज देयर इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट. हर हर महादेव. फाउंडेशन आदि योगी के दर्शन के बाद आपको ब्रह्म ध्यान लिंग का दर्शन करना है और इसके पहले आपको आपका बॉडी क्लीन करना है. सूर्य कुंड इज मेंट फॉर बॉयज. चंद्र कुंड फीमेल्स लोग के लिए है. ध्यान लिंग का दर्शन करने से पहले वहाँ पे आप स्नान कीजिए. फिर
ध्यान दिन का दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। अंदर से बाहर आ चुके हैं, फोन हमारे हाथ में वापस आ चुका है। जब हम जाते हो अंदर ध्यान लिंगम का दर्शन करने के लिए आपको फोन सबमिट करना पड़ता है, और अब फोन सबमिट करने के बाद थोड़ा सा कैश आप कैरी कीजिए, क्योंकि अगर आप सूर्य कुंड या चंद्र कुंड में जाके आप क्लेंस कर रहे हो बॉडी को, तो आपको एक कपड़ा दिया जाएगा धोती, उसका चार्ज है 20 रुपीज। तो अगर डिपॉजिट कर रहे हो फोन, जस्ट डिपॉजिट द फोन, नॉट योर कैश, राइट। सो ये सारे लोग जो वेट कर रहे हैं ना, अभी 7 बजे लेजर शो होने वाला है, महादेव जी का आदि योगी यहाँ पे ईशा फाउंडेशन में। पहले ये वीकेंड्स में हुआ करता था और ओकेशंस में होता था, अभी ये लाइट शो या लेजर शो, इट हैपेंस एवरी डे 7 o'clock, आदि योगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसा लगा? In the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. पूरा तो नहीं, आदि योगी जिसके लिए आए थे वो, और शंकर जी और गणपति जी का टेम्पल जो हमने सुबह कवर किया था, राइट। सो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, अगर आप आ रहे हो ना कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन, तो ईशा फाउंडेशन में कॉटेजेस बहुत पहले बुक करना पड़ता है और वो बहुत कम ही बार लोगों को मिलता है, राइट। सो आई एडवाइज यू नॉट टू बुक नियर बाय होटल्स, ईशा फाउंडेशन,
क्योंकि वहाँ से ट्रैवलिंग बहुत दूर पड़ जाएगा अगर आप कोयम्बटूर स्टेशन में जा रहे हो नेक्स्ट डे तो राइट। इंस्टेड कोयम्बटूर स्टेशन को लग के ही बहुत सारे आपको रीजनेबल होटल्स मिल जाएंगे फ्रॉम 200 रुपीज से 2,500 डिपेंडिंग अपॉन एसी नॉन एसी। आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन बिकॉज आप यहाँ पे लॉक चेकआउट करके सीधा 2 मिनट की दूरी पे यू हैव कोयम्बटूर जंक्शन अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो राइट। सो ये आज का दिन हमारा खत्म हो गया, मिलेंगे हम आपको नए जगह पे, नए हिस्ट्री बताएंगे नए लोकेशन पे। _Avinash04 तब तक आप अपना ध्यान रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलिए मत।